नमस्कार, मैं ईवीसी चैनल के माध्यम से आज आपको सियाराम शरण गुप्त द्वारा लिखित काकी नाम की जो कहानी है उसका सार प्रस्तुत कर रही हूँ। काकी शीर्षक कहानी रामू नाम के एक बालक की मातृवियोग से उत्पन्न तड़प से संबंधित है। शामू ने एक दिन देखा कि उसकी माँ भूमि पर सो रही है, उसके ऊपर एक कपड़ा ढका हुआ है तथा घर के लोग रो रहे हैं तथा उसे घेर कर बैठे हैं। वास्तव में उसकी माँ की मृत्यु हो चुकी थी। जब लोग उसकी माँ के शव को शमशान ले जाने लगे तो शामू ने बहुत उपद्रव मचाया। उसने पूछा कि वे लोग उसकी माँ को कहाँ ले जा रहे हैं। लोगों ने बहुत कठिनाई से उसे वहाँ से हटाया। शामू को विश्वास दिलाया गया कि उसकी काकी उसके मामा के यहाँ गई है, पर थोड़े दिन बाद उसको असलियत का पता चल गया। उसकी माँ ऊपर राम के यहाँ गई है। एक दिन उसने एक पतंग को उड़ते हुए देखा तो सोचा कि क्यों ना वह एक पतंग आकाश में उड़ा दे, जिस पर बैठकर उसकी माँ राम के यहाँ से नीचे आ जाएगी। उसने अपने पिता से एक पतंग मंगवाने की प्रार्थना की। पिता ने हाँ तो कर दी, पर पतंग नहीं मंगवाई। शामू ने अपने पिता की कोर्ट से एक चुबन्नी चुरा ली और सुखिया दासी के पुत्र भोला से पतंग मंगवा ली। पतंग के डोर बांधते समय शामू बोला कि वह इस पतंग को राम के यहाँ भेजना चाहता है, काकी इसे पकड़कर नीचे उतर आएगी। शामू लिखना नहीं जानता था, इसलिए उसने कहा कि वह जवाहर भैया से पतंग पर काकी लिखवा लेगा, जिससे कि उसकी माँ के पास पहुँचा जाए। भोला शामू से अधिक समझदार था। उसने कहा कि बात तो अच्छी है, पर पतंग की डोर पतली है, इसके टूट जाने का डर है। दूसरे दिन शामू ने अपने पिता के कोट से एक रुपया और चुराया। उसने भोला से दो मोटी मोटी रस्सियां लाने को कहा। जब वे दोनों अंधेरी कोठरी में बैठकर पतंग में रस्सी बांध रहे थे, तभी क्रोध से भरे हुए शामू के पिता विश्वेश्वर वहां आ धमके और पूछा, तुमने हमारे कोट से रुपया निकाला है? भोला ने डर के सारी बात बता दी। विश्वेश्वर ने शामू को दो तमाचे जड़ दिए और पतंग फाड़ डाली। भोला ने बताया कि शामू पतंग तान कर काकी को राम के यहाँ से नीचे उतारना चाहता था। विश्वेश्वर चुपचाप खड़े होकर कुछ सोचने लगे। जब उन्होंने फटी पतंग देखी तो उस पर चिपके हुए कागज पर लिखा था काकी। इस कहानी के माध्यम से कहानीकार एक मासूम बच्चे की जो मातृवियोग की पीड़ा है वो व्यक्त कर रहे हैं। कहानीकार ने एक सचित्र चित्र अंकित किया है कहानी के माध्यम से कि बालकों का हृदय अत्यंत कोमल, भावुक तथा संवेदनशील होता है। वे मातृवियोग की पीड़ा को सहन नहीं कर पाते। आपको मेरी कहानी अच्छी लगी होगी। थैंक यू ऑल ऑफ यू।